स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, अगर 15 मई तक आपने ये काम नहीं करवाया तो आपके एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन कट जाएगा। जी हाँ, 15 मई तक आप ये काम जरूर करवा लें, वरना आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आना बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एलपीजी गैस के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को ईकेवाईसी यानी कि कनेक्शन का वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी हो गया है। गैस कंपनियों ने वेरिफिकेशन की डेडलाइन 15 मई तक रखी है। अगर लोग इस तारीख तक वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उनके घर से एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन कट सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए एचपी गैस एजेंसी निदेशक दीपेंद्र शर्मा ने मीडिया से कहा कि हम चाहते हैं कि ग्राहकों को हर तरह से सुविधाओं का लाभ मिले, इसलिए हमने डेडलाइन रखी है। अब जो भी 15 मई तक ईकेवाईसी नहीं कराएगा उसे सिलेंडर की सुविधा नहीं दी जाएगी और उनकी गैस सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में करीब 40-50% लोगों ने ईकेवाईसी नहीं करवाई है, जो कि चिंता का विषय है। कैसे करवाएं आप ईकेवाईसी, आइए जानते हैं। ईकेवाईसी को इलेक्ट्रॉनिक जांच कंफर्मेशन कहा जाता है। इसके जरिए आवश्यक कागजों के जरिए व्यक्ति की सत्यता की जांच की जाती है ताकि आपको सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। इसको कराने के लिए सबसे पहले ग्राहकों को वितरित कार्यालय जाना होगा, यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके बाद ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को मिल पाएगा। क्यों जरूरी है ईकेवाईसी, आइए जानते हैं। ईकेवाईसी करवाने के पीछे सिर्फ ये जानना होता है कि कहीं ये सर्विस प्रोवाइडर अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग जैसी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, या फिर वो सर्विस का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, या फिर उसकी जगह उस सर्विस को का लाभ कोई और तो नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 1 मई को तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 19 रुपये घटाए थे, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिसके बाद अब दिल्ली समेत चारों महानगरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम इस प्रकार है। दिल्ली में 1,745.50, मुंबई में 1,698.50, कोलकाता में 1,860, चेन्नई में 1,911। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।